गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर म्यूजिक क्लास। एक बार फिर से चलो कुछ नया सीखते हैं, है ना। कल शाम ही मैंने आपको गाना भेज दिया था एंड आई होप यू ऑल हैव रिटन दिस सॉन्ग। तो जो गाना है आपने पढ़ा भी होगा कि ये गाना माँ पर लिखा गया है, इस गाने को मैंने ही लिखा है और बहुत ही खूबसूरत गीत है, बहुत ही खूबसूरत इसका जो म्यूजिक है वो भी बहुत खूबसूरत है। इसे सीखेंगे हम आज, लेकिन इसे सीखने से पहले कुछ पॉइंट्स मैं यहाँ पर डिस्कस करना चाहती हूँ। मैं बताना चाहती हूँ कि क्या हम आज के सेशन में करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम ये गीत सीखने वाले हैं। दूसरी चीज़, मैंने आपको चार सरगम लिखाई है, वो चार सरगम भी आज हम सीखेंगे। और तीसरी चीज़, जितने वीडियोज़ आपने भेजे हैं इस पूरे हफ्ते में, चाहे वो आपने फेसबुक पे पोस्ट किया हो, चाहे वो मुझे मेल पे भेजा हो या फिर आपने व्हाट्सएप के थ्रू भेजा हो, तो उन सबका फीडबैक भी मुझे देना है कि आपने। और मैं सच बताऊँ तो आपके काम से मैं बहुत बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हर बच्चा कोशिश कर रहा है और ये होना भी चाहिए। और इसके लिए मैं सारे पेरेंट्स को भी थैंक्स बोलना चाहती हूँ कि आप अपने बच्चे को मोटिवेट कर रहे हैं कि हाँ वीडियो बनाना है। वीडियो बनाने से क्या होगा, भले ही हमें अपने बच्चों को सिंगर नहीं बनाना है, ठीक है, चलो आप सोचते हैं कि सिंगर नहीं बनाना है उसको भी, ठीक है, आई एग्री विद दैट, लेकिन ये वीडियो बनाने से उसके अंदर का जो डर है वो डर धीरे धीरे कम होगा और वो बहुत ज़्यादा लोगों के सामने अपने आप को कैसे प्रेजेंट करना है वो इन वीडियोस के थ्रू वो सीख पाएगा या सीख पाएगी, जो भी है, ठीक है। तो आपको अपने बच्चे को हमेशा मोटिवेट करना है, मैं भी मोटिवेट करती हूँ, आप लोग भी करिए। तो इससे आपके बच्चे को धीरे धीरे जो एक बोलते हैं ना कि स्टेज में जाने में जो डर रहता है वो डर अपने आप ख़त्म होगा। और ये सबसे अच्छी चीज़ है लॉकडाउन की कि हम शायद स्कूल में इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बच्चों को नहीं दे पाते, वहाँ पर अगर कोई कॉम्पिटिशन भी होते हैं तो कुछ ही बच्चों को मौका मिलता है, बट यहाँ पे इस फेसबुक ग्रुप के माध्यम से या बोले कि आप जो भी आप मुझे भेज रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि फेसबुक ग्रुप में क्या कि आपको बहुत सारे लोग देख रहे हैं, आप मुझे व्हाट्सएप पे या मेल पे भेज रहे हैं वो केवल मैं देख रही हूँ, आपकी सिंगिंग कैसी है वो सिर्फ मुझे समझ में आ रहा है, बट अगर आप फेसबुक ग्रुप पर डालते हैं तो आपको बहुत सारे लोग देख रहे हैं और आपको अंदर से बहुत अच्छी फीलिंग आती है कि हाँ लोग मेरा काम अप्रिशिएट कर रहे हैं ना। और एक बात मुझे और कहनी है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे, सिक्स के बच्चों को तो मैं नहीं जानती हूँ, अब जानने लगेंगे हम धीरे धीरे। सेवन्थ एट्थ के जो बच्चों ने अभी जो वीडियो भेजे हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्हें मैंने कभी भी स्कूल में गाते हुए नहीं सुना और मुझे इतना अच्छा लगा उनके वीडियोस देख करके। एट्थ के बच्चे स्पेशली सत्यम और एक और बच्चा है उसका मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, तो अनुप्रणव और अभिप्रणव शायद, तो वो बच्चे जब अपने सिंगिंग वीडियो भेज रहे हैं तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं सारे पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को मोटिवेट करिए ताकि वो सिंगिंग वीडियो बना करके पोस्ट करें या फिर मुझे पर्सनली भेजें। अगर आपको लगता है कि आपको फेसबुक पे पोस्ट नहीं करना है तो आप मुझे मेरे मेल आईडी पे भेज सकते हैं ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सिंगिंग। सबसे पहले गाने का मीनिंग समझ लेते हैं। बड़े ही जतन से पाला है माने, यानी कि मुझे मेरी माँ ने बहुत प्यार से, बहुत ही बड़े जतन से पाला है। जब एक न्यू बॉर्न बेबी होता है ना तो उसको कितनी उसकी केयर करनी पड़ती है, तो माँ बाप बच्चे के लिए बहुत कुछ करते हैं। और हम जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं ना, शायद स्पेशली टीनेज में आते आते हम थोड़ा सा पेरेंट्स से लगते कि यार पेरेंट्स इतनी क्यों परवाह करते हैं हमारी, लेकिन आप एक छोटे बच्चे को देखना, उसकी जो केयर उसके पेरेंट्स करते हैं ना, ऐसी ही केयर आपके पेरेंट्स ने भी आपकी की है, तो आपको हमेशा अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ठीक है। बड़े ही जतन से पाला है माने, मुझे हर कदम पे संभाला है माने। मुझे हर कदम पे, यानी कि जब भी, जब बचपन में हम छोटे होते हैं पहली बार जब चलने की कोशिश करते हैं तो चलते चलते हम गिर जाते हैं और हमारे हर कदम पे माँ हमें संभालने के लिए बिल्कुल खड़े रहती कि नहीं बच्चा गिरे नहीं, इससे पहले मैं उसको संभाल लूँ, है ना। ये तो थी बिल्कुल जब छोटे होते हैं। बड़े होने पे जो जिंदगी के स्ट्रगल के जो कदम होते हैं हमारे, जो स्टेप्स होते हैं, तो वो लेने से पहले भी माँ बाप हमारे आसपास रहते हैं और उनको लगता है कि हमारा बच्चा गिरे उससे पहले हम उसे संभाल लें। जब भी हमारे पास कोई प्रॉब्लम होती है तो माँ बाप उसको सॉल्व करने के लिए हमारे साथ हमेशा खड़े रहते हैं। आपके सबसे बड़े जो वेलविशर है ना वो आपके पेरेंट्स ही हैं, ठीक है। फिर है आ, यानी कि आकार में हमें गाना है। आकार क्या होता है ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। जब हम आ की साउंड से, यानी कि हम सिर्फ आ आ आ अ नहीं,
कई बार बच्चे अ बोलते हैं तो वो सिंगिंग भी अ की तरह, अ नहीं, हमें पूरा मुंह खोलना है आ। तो जो आ की साउंड से जब हम स्वर बाहर आते हैं आ की साउंड में, तो उसको हम बोलते हैं आकार स्वर, ठीक है। हम आ ध्वनि में हम बाहर निकालते हैं। उसके बाद है इसका अंतरा है, मैं रोया या रोई तो संग मेरे रोई है माँ, यानी कि जब मैं रोया, जब मैं दुख में था तो मेरी माँ भी दुख में थी। जब भी बच्चे को कोई तकलीफ में होता है ना बच्चा, तो माँ को अपने आप समझ में आ जाता है। ये आपने भी नोटिस किया होगा कि कई बार हम बताते नहीं हैं लेकिन माँ को समझ में आ जाता है कि मेरा बच्चा परेशान है। तो वही चीज़ है, मैं रोया तो संग मेरे रोई है माँ, अगर हम दुख में हैं तो माँ खुश हो ही नहीं सकती है। मैं मुस्काया तो मुस्काई है माँ, और जब मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट होती है ना तो माँ के चेहरे पे अपने आप मुस्कुराहट आ जाती है। मैं खुशी से, अगर मैं खुश हूँ, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, तो मेरी माँ भी खुश है, क्योंकि माँ की हमेशा इच्छा होती है कि उसके बच्चे हमेशा खुश रहें। कोई भी बच्चे को तकलीफ होती है ना तो माँ चाहती है भगवान ये तकलीफ मुझे मिल जाए, मगर मेरे बच्चों को वो तकलीफ या वो दुख या वो दर्द सहन ना करना पड़े, है ना। तो यही इसका मतलब है, मुझ में ही अपनी खुशियाँ वो ढूंढे, यानी कि वो उसकी जो पूरी ज़िंदगी है वो मेरे आसपास ही घूमती है, वो अपनी सारी खुशियाँ मुझ में ही ढूंढती है, उसकी अपनी अलग से कोई खुशियाँ नहीं है। मुझ में ही अपनी खुशियाँ वो ढूंढे, दुनिया में सबसे अनोखी है माँ। अनोखी क्यों बोला, मैं मुस्कुरा रहा हूँ तो मुस्कुरा रही है, मैं रो रहा हूँ तो रो रही है ना। तो यानी कि मेरे हंसने से वो हंसती है, मेरे रोने से वो रो रही है, यानी कि मेरे पे ही उसकी पूरी जिंदगी सिमटी हुई है। तो कितनी अनोखी है माँ। बुरी हर बला को टाला है माँ ने, मेरे पास आने वाली जो मुसीबतें हैं, बला मतलब जो मुसीबत है, जो प्रॉब्लम मेरे पास आने वाली है, उस प्रॉब्लम को माँ ने हमेशा उसको टाला है। माँ हमेशा चाहती है कि कोई भी प्रॉब्लम अगर उसके बच्चे के पास आ रही है तो वो खुद उसको दूर कर दे। ठीक, तो ये था इस गाने का मीनिंग। नाउ लेट्स स्टार्ट। और सिंगिंग हमेशा की तरह हर लाइन को हम दो बार गाएंगे, पहली बार आप केवल सुनेंगे और दूसरी बार उसे मेरे साथ गाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बड़े ही जतन से, बड़े ही जतन से पाला है माने, बड़े ही जतन से, बड़े ही जतन से पाला है माने। ठीक, बड़े ही जतन से, एक बार फिर सुनिए, बड़े ही जतन से पाला है माने, मुझे हर कदम पे संभाला है माने, मुझे हर कदम पे, मुझे हर कदम पे संभाला है माने। अब हम एक एक बार और गाते हैं, एक बार मैं गाऊंगी आप सुनेंगे, दूसरी बार जब मैं गाऊंगी तो आप मेरे साथ गाएंगे। बड़े ही जतन से पाला है माने, बड़े ही जतन से पाला है माने, मुझे हर कदम पे संभाला है माने, मुझे हर कदम पे संभाला है माने। ठीक है, एक बार और करते हैं। बड़े ही जतन से पाला है माने, बड़े ही जतन से पाला है माने, मुझे हर कदम पे संभाला है माने। आकार एक बार आप सुनिए उसको, फिर उसको फिर हम गाएंगे, ठीक है। पहले सिर्फ सुनिए, हम आकार को चार बार गा रहे हैं, उसको रिपीट करेंगे तो वो कितने टाइम्स हो जाएगा, 8 टाइम्स, 1 2 3 4
and again 1 2 3 4. It means total 8 times we have to sing this akar. Okay, ये पहला है. एक एक स्वर हम नीचे आ रहे हैं, और जब फोर्थ आ रहा है तो जब फोर्थ वाले हम नोटेशन में हम पहुंच रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, हम धीरे धीरे फिर ऊपर आ रहे हैं. फिर से एक बार और करते हैं. थोड़ा सा टफ है लेकिन हो जाएगा. अब हम स्टार्टिंग से यहां तक एक बार फिर से गाते हैं. ठीक. बड़ी ही जतन से पाला है माने, बड़े ही जतन से पाला है माने, मुझे हर कदम पे संभाला है माने, मुझे हर कदम पे संभाला है माने. अब हम इसके अंतरे में आते हैं. मैं रोया, अगर आप बॉय हैं तो आप गाएंगे मैं रोया, अगर आप गर्ल हैं तो ऑब्वियसली आप गाएंगे मैं रोई. तो मैं दोनों लाइन गाऊंगी, आप उसको सुन करके अपने हिसाब से गाएंगे. मैं रोया तो संग मेरे रोई है माँ, रोई है माँ. ई को थोड़ा सा, रोई है माँ, मैं रोई तो संग मेरे रोई है माँ, मैं मुस्काया तो मुस्काई है माँ, मैं मुस्काई तो मुस्काई है माँ. एक बार फिर से सुनिए. मैं रोया तो संग मेरे, रोई है माँ, मैं मुस्काया तो मुस्काई है माँ, मुझ में ही अपनी, मुझ में ही अपनी. फिर से. मुझ में ही अपनी खुशियाँ वो ढूंढे, मुझ में ही अपनी खुशियाँ वो ढूंढे, दुनिया में सबसे नीचे फिर ऊपर, दुनिया में सबसे, दुनिया में सबसे अनोखी है माँ, अनोखी है माँ, अनोखी है माँ. एक बार फिर से हम अंतरा लेते हैं. मैं रोया तो संग मेरे रोई है माँ, मैं मुस्काया तो
मुस्काई है माँ, मुझ में ही अपनी खुशियाँ वो ढूंढी, दुनिया में सबसे अनोखी है माँ। एक बार और गाते हैं। मैं रोया तो संग मेरे रोई है माँ, मैं रोई तो संग मेरे रोई है माँ, मैं मुस्काया तो मुस्काई है माँ, मैं मुस्काई तो मुस्काई है माँ, मुझ में ही अपनी खुशियाँ वो ढूंढे, दुनिया में सबसे अनोखी है माँ। ठीक है, फिर वापस जैसे हमने पहली लाइन गाई थी ऐसे ही हम इस लाइन को भी गाएंगे। बुरी हर बला को, बुरी हर बला को टाला है माने, बुरी हर बला को टाला है माने, मुझे हर कदम पे संभाला है माने, मुझे हर कदम पे संभाला है माने, बड़े ही जतन से पाला है माने, बड़े ही जतन से पाला है माने, मुझे हर कदम पे संभाला है माने। ठीक है, मुझे लगता है कि शायद काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। और अब आपको क्या करना है, क्योंकि गाना थोड़ा सा मुश्किल है तो बार बार इसको सुन के प्रैक्टिस करनी है। ठीक, आप लोग क्या करेंगे कि इस गाने को आप, जैसे सैटरडे है आज, सिर्फ आपका एक घंटा म्यूज़िक की क्लास है, उसके बाद आप दिन भर फ्री हैं, पहले आप अपना जितना भी होमवर्क है और बाकी जो भी चीज़ें आपको लर्न करनी है वो करेंगे, उसके बाद जैसे ही आप फ्री होते हैं, आपको लगता है कि अब फ्री टाइम है, तो आप इस गाने को सुनिए और मेरे साथ साथ गाने की कोशिश करिए। अब बात करते हैं फीडबैक की, तो सारे बच्चों ने इतना अच्छा गाया है कि मैं बहुत 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 ज़्यादा खुश हूँ। आपका जो रिस्पांस मुझे मिला है ना, बहुत ही पॉजिटिव मिला है। स्पेशली सिक्स के बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, और अपना जो ये लेवल है ना बच्चों, इसको कभी नीचे मत आने देना, आप इसको हमेशा कीप इट अप, कीप इट अप, कीप इट अप, है ना। दैट्स वाई आई राइट एवरी टाइम कीप इट अप, यानी कि इसको आपको और ऊपर 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 लेकर जाना है, इसको नीचे नहीं लेके जाना है। अब जितने बच्चों ने मुझे फेसबुक पे या कहीं पे भी अपना वीडियो पोस्ट किया है या मुझे भेजा है, तो वो इस हफ्ते उनको छोड़ना नहीं है, उनको तो करना ही करना है, और जिन्होंने नहीं किया है उनको भी अब करना है भाई। क्योंकि जब तक आप मेरे सामने अपना वीडियो नहीं भेजेंगे तो मुझे मालूम कैसे चलेगा कि आप सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं। क्योंकि रिटर्न वर्क तो है नहीं कि आप लिख दें और मैं बस देख लूँ, जब तक आप गाएंगे नहीं तब तक मुझे नहीं मालूम चलेगा कि आपने क्या सीखा। ठीक है, जब आप वीडियो बनाते हैं ना, तो सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है कि प्लीज़ आप थोड़ा सा स्माइल के साथ अपना वीडियो बनाइए, ताकि सामने वाला जब आपको देखे तो उसको बहुत अच्छा लगे। आप क्या कर रहे हैं, कुछ बच्चे मैंने देखा है कि क्या करते हैं, नीचे देख के गाना गा रहे हैं, है ना। यू आर सिंगिंग एंड यू आर लुकिंग डाउन, डोंट डू दिस, ओके। लुक एट द कैमरा, कैमरे की तरफ देखिए और स्माइल के साथ गाइए, क्योंकि आपकी ऑडियंस आपको देख रही है। उसके बाद एक और चीज़ मुझे बोलनी है, बहुत सारे बच्चों ने इस वीक उन्होंने सिंगिंग के जो वीडियोस थे वो अपने सिविल ड्रेस में डाले थे, दे वर नॉट वेयरिंग स्कूल यूनिफॉर्म। तो मैं उनको बोलना चाहती हूँ, सभी बच्चों को, कि आप उस ग्रुप में या आप सेंट मेरीज को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो यू शुड बी इन स्कूल यूनिफॉर्म, इट इज़ कंपल्सरी, ओके। तो अभी इस वीक अगर आप ऐसा कोई वीडियो डालते हैं तो मैं उसको अप्रूव नहीं करने वाली हूँ, आपको स्कूल यूनिफॉर्म में ही अपना वीडियो बनाना है। और तीसरी चीज़ ये है कि इस हफ्ते तो हमने, जब भी आपने भेजा मैंने उसको एक्सेप्ट किया, इवन कई बार जैसे ही आप लोग फेसबुक पे अपने वीडियोस डालते थे या पोस्ट करते थे तो तुरंत मुझे मैसेज करना कि मैम हमने पोस्ट कर दिया है, आपका अप्रूवल चाहिए, तो प्लीज़ आप करिए। अभी आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे,
पहली बात तो आपको सैटरडे संडे अपना वीडियो पोस्ट नहीं करना है, मंडे ट्यूसडे वेंसडे ओनली 3 days यू विल गेट टू पोस्ट योर वीडियो। और अगर मैं आपका वीडियो विद इन 10 to 12 hours में नहीं उसको देख पाती हूँ या अप्रूव नहीं करती हूँ तो ही आप मुझे मैसेज करेंगे या मुझे कॉल कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, जो वीडियो पोस्ट करने के लिए टाइम डिसाइड कर लेते हैं। तो आपको अपना वीडियो कब पोस्ट करना है, मंडे ट्यूसडे वेंसडे। बिफोर मंडे भी मैं उसको अप्रूव नहीं करूंगी और आफ्टर वेंसडे भी मैं उसको अप्रूव नहीं करूंगी। ओनली 3 days यू आर गेटिंग मंडे ट्यूसडे एंड वेंसडे। और अगर आपका वीडियो 10 घंटे के अंदर अंदर अप्रूव नहीं होता है तो ही आप मुझे मैसेज या कॉल करेंगे, अदरवाइज नहीं। आप पेशेंस रखिए क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ कि मैं फ्रिक्वेंटली फेसबुक ग्रुप पे जाके चेक कर लूँ कि किसी का पोस्ट तो नहीं आया है, उसको अप्रूव मैं कर दूँ। मैं खुद भी कोशिश करती हूँ, तो इसलिए आप मुझे अभी जब अगर आपको लगे कि अब 10 घंटे हो चुके हैं मैंने अभी तक नहीं देखा, देन ओनली यू जस्ट कॉल मी, ओके? अदरवाइज प्लीज डोंट कॉल मी। आज के 5 स्पेशल वीडियोस की बात करते हैं जो मैंने जितने भी पूरे वीक मुझे जो वीडियोस आए उसमें से मैंने सिलेक्ट किए हैं। आप सबकी सिंगिंग बहुत अच्छी है इसलिए मैंने सिंगिंग के हिसाब से वीडियो सिलेक्शन नहीं किया है। और सबके एफर्ट्स इतने अच्छे हैं कि मैं किस बहुत मुश्किल था मेरे लिए करना, तो इसीलिए जो मुझे लगा कि सबसे पहले जो चीज़ आई यानी कि फर्स्ट जो भी पहले सबसे पहले था वो मैंने इस कैटेगरी में रखा है। तो सबसे पहले उदय आदित्य सेठी जिन्होंने ही इज इन 6th standard और उन्होंने मुझे सबसे पहले वीडियो भेजा, तो इसलिए सबसे पहला वीडियो जो स्पेशल बना वो है उदय आदित्य सेठी का। तो उदय कंग्रेचुलेशंस टू यू। सेकंड है सबसे पहला वीडियो जिसमें सिंगिंग तो थी और साथ में एक्शन थे, तो वो है अंशुमन सहगल, ही इज ऑल्सो इन 6th standard। उसके बाद जो थर्ड अपना जो थर्ड वीडियो सिलेक्शन सिलेक्ट हुआ है वो है प्रियांशी और गोरेशना का डुओ वीडियो था, वो उसमें वो पहला डुओ था और बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने गाया पूरा मस्ती के साथ में, तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। तो थर्ड वीडियो ये है। फोर्थ वीडियो मुझे व्हाट्सएप पे आया था, फेसबुक पे शायद आप लोगों ने नहीं देखा होगा, वो था रिद्धि सिद्धि का। रिद्धि सिद्धि ने सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट के साथ वो अपना वीडियो पोस्ट किया था और साथ ही साथ 8th के एक बच्चे ने भी अपना वीडियो इंस्ट्रूमेंट के साथ पोस्ट किया था, बट वो 2nd थे तो इसलिए रिद्धि सिद्धि को मैंने सिलेक्ट किया है। नेक्स्ट टाइम से रिद्धि सिद्धि, इफ यू विल नॉट मेक योर वीडियो इन स्कूल यूनिफॉर्म देन आई एम नॉट गोइंग टू सेलेक्ट यू, ओके? दिस टाइम आई हैव सेलेक्टेड यू। उसके बाद है 5th वीडियो, ये बच्चा है 1st C का अर्जुन दलाल और अपने भाई को मोटिवेट करने के लिए He made this video, so I'm very impressed. तो ये 5th जो वीडियो स्पेशल वीडियो है वो है अर्जुन दलाल का। तो ये 5 वीडियो मैं एक साथ मर्ज करके 1 या 2 दिन में पोस्ट करूंगी एंड यू ऑल कैन enjoy दैट वीडियो, ठीक है? अब बात करते हैं आज के चैलेंज की। तो आज का जो सिंगिंग चैलेंज है सॉन्ग, तो ऑब्वियसली जो हमने गाया है आज सीखा है वही हमें गाना है, लेकिन ये लेकिन सुनिए क्या है। आपको इस बार एक डुओ सॉन्ग यानी कि इस सॉन्ग को किसी के साथ गाना है, आपकी मम्मी हो सकती है, आपके पापा, आपके दादा दादी, चाचा चाची, आंटी अंकल, जो भी आपकी फैमिली में जितने लोग रहते हैं, भाई बहन, कोई भी हो सकता है, ठीक है? तो आपको इसको डुओ करना है इसमें। और दूसरी चीज़ आपको ये सोचनी है कि जब आप ये वीडियो बना रहे हैं तो आप इसमें क्या नया कर सकते हैं, क्योंकि जो कुछ भी नया और सबसे पहले होगा वो हमारा स्पेशल वीडियो होगा, ठीक है? तो आपको ये क्रिएटिव, क्या वो ऐसे अपनी क्रिएटिविटी ऑन करिए और सोचिए कि ऐसा हम क्या कर सकते हैं कि हमारा वीडियो दूसरों से अलग हो और हम इस स्पेशल कैटेगरी में आ जाए। तो ये आपको इस पे काम करना, ठीक है? एंड अगर हो सकता है कि आपके साथ डुओ करने वाला कोई भी ना हो, पहले तो मैं फैमिली मेम्बर्स से, जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं उनकी फैमिली से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ अपने बच्चे को मोटिवेट करने के लिए आप उनके साथ आ सकते हैं, ठीक है? तो जब हम डुओ में गाते हैं ना तो थोड़ा सा हम नर्वस कम होते हैं, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि बच्चे इस बार डुओ में आए। जब साथ में कोई और भी होता है ना तो वो जो डर होता है वो लेवल उसका बहुत कम हो जाता है। वो मैंने फील किया, दो डुओ अपने पास आए थे इस हफ्ते, तो उसमें नहीं दो नहीं शायद 3 आए थे, एक रिद्धि सिद्धि का प्रियांशी और गोशना का और एक और था अभी मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। तो वो दो उसमें मैंने देखा कि बच्चों का जो नर्वसनेस थी वो बिल्कुल शायद दिख नहीं रही थी मुझे, बहुत कम थी वो।
तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि इस बार फैमिली मेम्बर्स अपने बच्चे को सपोर्ट करेंगे और उसके साथ मिलके डुओ कर सकते हैं। डुओ में ज़रूरी नहीं कि आप अगर सिंगिंग ही करो, आप किसी भी वे में उसको बनाइए, बट यू हैव टू बी इनसाइड द वीडियो। ठीक है, सिंगिंग आपके बच्चे को करनी है, अगर आप भी करना चाहते हैं तो उसके साथ में कर सकते हैं, लेकिन सोचिए कि क्या नया नया आप कर सकते हैं और जितना ज़्यादा आप सोचेंगे उतना ज़्यादा कुछ नई चीज़ सामने आएगी। तो ये थी आज की क्लास, इसके बाद हम एक और क्लास लेंगे, वो भी हमारी सरगम की क्लास। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, टेक केयर, बाय बाय।